हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट बेंट रूल के बारे में। बेंट रूल क्या होता है, सिंपल वर्ड में कहें तो बॉन्डिंग इन अपोजिट नेचर। ठीक है, जिस एलिमेंट के परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो किसके साथ अटैच होना पसंद करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, और जिसका परसेंटेज एस कैरेक्टर कम होगा वो किसके साथ कंबाइन होना पसंद करेगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, सिंपल सा रूल होता है। हमने इसकी एप्लीकेशन देखी थी कि बेंट रूल हमारे लिए कहाँ कहाँ काम में आता है। ठीक है, हमने देखा था कि अगर आपको एक्चुअल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पता करनी हो, जैसे आपके ट्राइगोनल बाईपिरामिडल में या पेंटागोनल बाईपिरामिडल में, तो हमें बेंट रूल बहुत हेल्प करता है। ठीक है, इसके अलावा आप बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन भी किससे कर सकते हो, परसेंटेज एस कैरेक्टर से। बॉन्ड लेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे चीज़ बहुत काम आएगी बेंट रूल। ठीक है, तो देखिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करेंगे, और आज हम स्टार्ट करेंगे अपने बॉन्ड पैरामीटर से। ठीक है, कि किसी भी बॉन्ड से रिलेटेड कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड एंगल होता है, या फिर आपका बॉन्ड लेंथ होता है। चार ये आपके मेन बॉन्ड पैरामीटर्स होते हैं जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इम्पोर्टेंट आपका बॉन्ड पैरामीटर, जिसे हम बोलेंगे आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। बॉन्ड पैरामीटर्स, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट आएगा आपके, उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी बॉन्ड ऑर्डर। देखिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है किन्हीं भी दो एटम्स के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं, उसे हम क्या कहेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो द नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स, उसे हम क्या बोलेंगे, आपका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे भी दो कैटेगरी होती है। ठीक है ना, जैसे मोनो एटॉमिक है या फिर आपका पॉली एटॉमिक है। तो अगर आपका मोनो एटॉमिक है स्पीसीज, ठीक है, तो उसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे, फॉर मोनो एटॉमिक स्पीसीज और मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स दी बॉन्ड ऑर्डर is simply the number of bonds form, कितने वो number of bonds form करते हैं। जैसे आप ले लीजिए H2 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो यही इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन O2 ले लीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपके पास 2। ठीक है, नाइट्रोजन ले लीजिए N2, N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बॉन्ड बन रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। ठीक है, ये सिंपल होता है आपके किसके लिए, मोनो एटोमिक की कैटेगरी के लिए अगर आपको लेना है तो। ठीक है, अब अगर मान लो आपको मोनो एटोमिक की कैटेगरी में नहीं लेना है, पोली एटोमिक में लेना है, ठीक है, तो ये आपका स्पेशल केस में आते हैं जो अपने को ध्यान रखने हैं। ठीक है, फॉर एक यहाँ पे एक नई टर्म भी आपके लिए इंट्रोड्यूस होगी जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। ठीक है, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या आप स्पीसीज बोल सकते हो, फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स In which resonance occurs, ठीक है, for polyatomic molecules in which resonance occurs, the bond order is calculated on the basis of follow। इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का हम क्या फॉर्मूला डिफाइन करते हैं, दैट इज
बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल डिवाइड बाई। पहले आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको एक एक करके आसानी से समझाता हूँ, ठीक है ना। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर इसका एक फॉर्मूला और होता है बॉन्ड ऑर्डर का। एक तो आपके पास ये हो गया, ठीक है, एक और इसका फॉर्मूला होता है, वो भी हम लिख लेते हैं। दैट इज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वन प्लस पाई अपॉन सिग्मा। ये दो फॉर्मूले हैं जिनके जरिए हम बॉन्ड ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, बात करते हैं हम कि रेजोनेंस क्या होता है। यहाँ पे एक टर्म आता है रेजोनेंस। पॉली एटोमिक स्पीसीज, जैसे आप समझ लीजिए कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे CO3 2- हो गया, ठीक है, PO4 2- हो गया, इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके लिए, ठीक है, जहाँ पे आपका रेजोनेंस इन्वॉल्व है, ठीक है। अब नई टर्म आ गई है जिसे हम बोलते हैं आपकी रेजोनेंस। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। देखिए हमने क्या है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ी थी, ठीक है। तो होता क्या है बेसिकली कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर से आप किसी भी मॉलिक्यूल की जितने भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है, उसके जो पैरामीटर्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, उन सबको आप एक ही स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। एक ही स्ट्रक्चर से सारी की सारी प्रॉपर्टीज को आप किसी भी मॉलिक्यूल के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो होता क्या है, ये जो आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं जहाँ पे आपका रेजोनेंस होता है, ठीक है, इनके अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। एक ही मॉलिक्यूल आपके रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करने के लिए कुछ कंडीशंस होती है जिनको वो फुलफिल करता है, उसके बाद ही आपका क्या होता है, रेजोनेंस होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ ओजोन का। किसका? ओजोन का। देखिए ओजोन की बात करें हम, O3 इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो O डबल बॉन्ड O, ये आपका सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पे प्लस, ये आपके माइनस, ये ओजोन की होती है नॉर्मल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर हम बात करें ओजोन में सिंगल बॉन्ड लेंथ, सिंगल बॉन्ड लेंथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में, वो होती है आपके अराउंड 148 पिकोमीटर। कितनी होती है? 148 पिकोमीटर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ, ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ, ठीक है, वो होती है 148 पिकोमीटर। वहीं अगर हम बात करें डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, डबल बॉन्ड की जो आपकी बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है अराउंड 121 पिकोमीटर, ठीक है। तो ऐसा देखा गया है कि एक्सपेरिमेंटली जब आप ओजोन में बॉन्ड लेंथ निकालते हो, बॉन्ड लेंथ निकालते हो एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, तो जो बॉन्ड लेंथ आती है, एक्चुअल बॉन्ड लेंथ वो होती है अराउंड 128 पिकोमीटर। मतलब यहाँ पे ओजोन में ना तो आपका कंप्लीट सिंगल बॉन्ड है और ना ही आपका क्या है, कंप्लीट डबल बॉन्ड है। यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों के बीच में है, इसीलिए आपकी 128 पिकोमीटर है। मतलब ये आपका ओजोन का एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे होता है रेजोनेंस। क्या होता है? रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ अगर आप देखोगे तो ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास क्या है, तीन लोन पेयर प्रेजेंट है। तो रेजोनेंस शो करने की क्या कंडीशन होती है, ये वैसे में हम मेनली ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं डिटेल में, ठीक है, लेकिन आपको मैं थोड़ा आइडिया यहाँ पे भी दे देता हूँ, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पे एक सिस्टम होता है, कंडीशन होती है, अगर वो उस कंडीशन को फुलफिल कर दे कोई भी मॉलिक्यूल तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है, ठीक है। जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और वैकेंट ऑर्बिटल,
ये आपकी चार कंडीशन होती है मेन, किसके लिए? रेजोनेंस शो करने के लिए, ठीक है, अल्टरनेट। अगर डबल बॉन्ड है, बीच में सिंगल बॉन्ड है और फिर लोन पेयर है, या फिर डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, माइनस चार्ज है या प्लस चार्ज है, या फिर आपका वेकेंट ऑर्बिटल है, इस कंडीशन में आपका रेजोनेंस होता है। इसे हम कॉन्जुगेशन सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन सिस्टम। हो सकता है थोड़ा सा अलग लग रहा हो आपको, तो इतना डिटेल में नहीं जाना है अभी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑर्गेनिक में हम पढ़ेंगे इसी, आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ये अभी इतना अपने यहाँ पे काम आने वाला भी नहीं, केवल आपको समझना है कि यहाँ पे होता क्या है, रेजोनेंस होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होता है, एक जो पाई बॉन्ड होता है उसकी होती है शिफ्टिंग। हमें पता है सिग्मा और पाई में से आपका कौन सा बॉन्ड वीक होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे होता क्या है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। डीलोकलाइजेशन मतलब आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आपका लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, एक लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन के हो गए चार बॉन्ड, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा वाला, पाई वाला, क्यों? क्योंकि वो वीक होता है। और यहाँ पे आएगा आपके माइनस चार्ज, ठीक है। तो इसकी अगर हम एक्वा स्ट्रक्चर बनाएं तो ऑक्सीजन यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास ऑक्सीजन, और ये आएगा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ये जो दोनों स्ट्रक्चर होती है इनको हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे, केवल एक ही पॉसिबिलिटी कि यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, या फिर यहाँ से यहाँ पे आ जाए, और कहीं शिफ्ट नहीं हो सकता है डबल बॉन्ड। तो इनको हम बोलते हैं आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं हम इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितनी भी मॉलिक्यूल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, उनका एक हाइब्रिड बनता है, जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। वो कैसा होता है आपका, देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। अब जो आपका डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो उसे हम कैसे डिनोट करते हैं आपके, इस तरीके से। सिंगल बॉन्ड आपका यहाँ पे भी है डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी, ये होगी आपकी 128 पिकोमीटर, और ये भी जो बॉन्ड लेंथ है ये भी होगी आपके 128 पिकोमीटर। तो रेजोनेंस से हुआ क्या, पहली बात, क्यों होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस से होता क्या है कि मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, पहली बात। दूसरी बात, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कैसे बढ़ती है, क्योंकि जो एनर्जी होती है, ये जो आपका हाइब्रिड बना है, रेजोनेंस हाइब्रिड इसे हम बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे आपका, रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, मतलब सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे क्या होती है, कम होती है, ठीक है, और कम होती है। और जितने भी बॉन्ड से रिलेटेड पैरामीटर्स होते हैं, जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, जो एक्चुअल पैरामीटर्स हैं, वो कौन एक्सप्लेन करता है, आपका रेजोनेंस हाइब्रिड एक्सप्लेन कर लेता है, ठीक है। इसलिए रेजोनेंस इंपॉर्टेंट होता है और मॉलिक्यूल्स में होता है, सभी मॉलिक्यूल्स में नहीं होता है। कंडीशन होती है जहाँ पे आपके डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है, या वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तभी आपका रेजोनेंस शो होता है, ठीक है। वो आप धीरे धीरे सीख जाओगे, ठीक है। इन स्ट्रक्चर को हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, इन्हें हम एक और वर्ड नाम देते हैं, जिसे हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो हुई रेजोनेंस की बात, ठीक है। अब देखिए, रेजोनेंस से हुआ क्या, अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है O3 के लिए, जहाँ पे भी आपका रेजोनेंस है वहाँ अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो सिंपली दो फॉर्मूले हैं, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इन ऑल मॉलिक्यूल्स। मतलब कोई भी दो एटम्स आप ले लीजिए सभी मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, जितने भी आपके स्ट्रक्चर हैं उनमें कितने टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म है। जैसे मैंने क्या किया, ये दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, ये वाले, ठीक है, और सभी मॉलिक्यूल, सभी जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे वहाँ पे मैं केवल इन दो मॉलिक्यूल को ही कंसिडर करूँगा, ठीक है। ये मान लो वन है, ये आपको टू है, वन और टू के बीच में जितने भी बॉन्ड्स हैं, दो एटम्स के बीच में
जितने भी टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बने हैं इन ऑल मॉलिक्यूल्स, जितने भी आपके मॉलिक्यूल्स हैं या जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसा लिख दीजिए, इन ऑल मॉलिक्यूल्स या फिर इन ऑल स्ट्रक्चर्स, तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी, ठीक है। उनको काउंट कर लेना, यहाँ पे डबल बॉन्ड है मतलब दो बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है मतलब एक बॉन्ड है, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, थ्री डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, एक तो ये है और एक ये है, दो, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, या फिर सिंपली इस फॉर्मूले से जाइए, बॉन्ड ऑर्डर 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, तो पाई कितने बॉन्ड है, एक ही है, 1 डिवाइड बाय सिग्मा कितना है, एक तो ये है एक ये है, 2, तो 1 प्लस हाफ वापस 1.5। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, आपको यही फॉर्मूला मेनली काम में लेना होता है, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर से, ठीक है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला बताया है, ठीक है, बाकी मेन आपको यही काम में लेना है। यहाँ पे भी पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड जो हम काउंट करते हैं वो केवल उन्हीं बॉन्ड के लिए काउंट करते हैं जहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, अगर कहीं पे रेजोनेंस नहीं हो रहा तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये होता है सिंपल सा रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट, ठीक है, रेजोनेंस से केवल बॉन्ड एनर्जी, इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है, इसको एक बार आप नोट कीजिए, इस पोर्शन को किया। चलिए अब अगर हम बात करें रेजोनेंस के बारे में, लिख लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको थोड़ा याद रहे। ठीक है, आप लिख सकते हो फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल द पैरामीटर्स रिलेटेड टू बॉन्ड, वन लुइस डॉट स्ट्रक्चर, इज नॉट इनफ। ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल बॉन्ड रिलेटेड पैरामीटर्स, ठीक है, फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल बॉन्ड रिलेटेड पैरामीटर्स वी रिक्वायर और वी टेक नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ठीक है ए नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स विच आर नॉन एज रेजोनेशन, आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसे हम क्या लिखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है, जो आपके मॉलिक्यूल की कंप्लीट पैरामीटर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके रेजोनेंस हाइब्रिड जो होता है, ये वाला रेजोनेंस हाइब्रिड, उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, कम होती है, इसलिए वो क्या करता है, मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो आप लिख सकते हो रेजोनेंस हाइब्रिड और वी कैन से रेजोनेंस स्टेबलाइजेस द बॉन्ड एनर्जी और वी कैन से रेजोनेंस हैव स्टेबलाइजेस द बॉन्ड एज इट हैव द लोएस्ट एनर्जी अमोंग ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
ये स्टेबलाइज करता है, ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, इसलिए आपका रेजोनेंस इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं इसके ऊपर आपको दो तीन और न्यूमेरिकल बताता हूँ, ऐसे एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, ओके। चलिए बात करते हैं और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ये थ्योरी व्योरी तो कोई आपके रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, एक बार पढ़ लिया देख लिया ठीक है। बात अपने को ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना आना चाहिए, ठीक है ना, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम CO3 2- का कार्बोनेट आयन, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए, C डबल बॉन्ड O, O माइनस और यहाँ पे आपका O माइनस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होती है। रेजोनेंस होगा, यहाँ से आपका लोन पेयर, यहाँ पे तीन लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं O माइनस के पास, ठीक है, यहाँ पे भी आपके दो लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड बनेगा और पाई कहाँ शिफ्ट होगा आपके लोन पेयर में, और ये माइनस चार्ज यहाँ से आपके इस पे चला जाएगा, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे जा सकता है, ठीक है, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, सी, यहाँ पे तो ओ माइनस पहले से है, यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ माइनस, ठीक है। रेजोनेंस में कुछ नहीं होता है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती है, जैसे पहले यहाँ थी तो अब यहाँ पे हो गई। एक बार और रेजोनेंस हो सकता है जब आपके यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, ठीक है। एक और अगर हम इसकी स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो O माइनस, यहाँ से लोन पे यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड और माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल होता है, ठीक है। और डिटेल में आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में, चिंता मत करना आप, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गई रेजोनेंस की, और इनका अगर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना है तो वो क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सेकंड में यहाँ पे और थर्ड में यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ये आपके तीनों में रहेगा, तो इसे हम डैश लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जो नेगेटिव चार्ज है, कभी इस पे है, कभी इस पे है, इस पे और इस पे, मतलब सभी पे है, तो इसे हम सभी जगह पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये होता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड, और ये सब क्या होती हैं आपकी आरएस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी इनको हम बोल सकते हैं, ठीक है। इसके लिए अगर हम बॉन्ड ऑर्डर डिफाइन करें तो देखिए, दोनों फॉर्मूले से मैं आपको बताता हूँ, कोई भी दो एटम फिक्स कर लो, जैसे मान लो मैंने एटम फिक्स किए, एक ये वाला और एक ये वाला, ऑक्सीजन और कार्बन, सभी में आपको सेम ही एटम रखने हैं, ठीक है ना, एटम को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब इनके बीच में टोटल बॉन्ड काउंट कर लो, यहाँ पे कितने हैं, दो बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे एक है, मतलब टोटल कितने हो गए, फोर, डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी है, 1, 2, 3, 4/3, 1.33 आपके क्या है, यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा ये फर्स्ट से, मतलब एक से ज़्यादा होगा और दो से कम होगा, मतलब सिंगल से तो ज़्यादा होगा और डबल से क्या होगा, कम होगा, 1.33 का मतलब ये सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है ना। और जो दूसरा तरीका है उससे भी आप निकाल सकते हो, 1 + π/σ, पाई देखिए कितने हैं यहाँ पे, सभी में सभी आपके मॉलिक्यूल्स जितने भी एलिमेंट्स हैं एटम्स हैं वो सब आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो सभी काउंट होंगे, पाई तो एक ही है, डिवाइड बाय सिग्मा कितने हैं, 1, 2, 3, 1 + 1/3, अगेन 1.33, ठीक है, सिंपल तरीका है, इससे आप कर सकते हो, इसे आप नोट कीजिए, फिर हम एक और एग्जांपल करते हैं, ओके। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं, दैट इज HCO3-, क्या लेते हैं हम, HCO3-, ठीक है। यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O हो गया, एक में आपके O माइनस हो गया, ठीक है, और HCO2 लेते हैं, ठीक है ना, HCO2-, और ये यहाँ पे आपके ऑक्सीजन और ये आपका हाइड्रोजन,
HCO3 रहेगा, 1, 2, 3 है ना, हाँ HCO3-, ठीक है। तो देखिए सेम कंडीशन है, रेजोनेंस हो सकता है यहाँ पे, लोन पेयर पाई में कन्वर्ट होगा और पाई किस में कन्वर्ट होगा, लोन पेयर में, ठीक है। देखिए ये कार्बन, ये आपका OH, इसके पास भी लोन पेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ पे आपके सिंगल बॉन्ड, और ये इसके ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ से डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे आपका लोन पेयर है, यहाँ पे भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ट्राई करते हैं। देखिए सी, यहाँ पे तो O माइनस पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो सी ओ ये माइनस होगा, यहाँ पे आ जाएगा ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके यहाँ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज, ठीक है। या फिर आप ये से देखिए, एक तो ये हो गया है, यहाँ से लोन पे यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा आपके पास, यहाँ से लोन पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ से एक बॉन्ड टूट के आपके यहाँ पे चला गया और यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, अब यहाँ पे तीन लोन पेयर हो गए, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजन, ये प्लस, और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीजन के ऊपर, ये भी आप ऑर्गेनिक में पढ़ोगे आगे चल के, ठीक है ना, कि ऑक्सीजन जो है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। ये आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अप्लाई नहीं होता है, ठीक है ना, मतलब उसकी स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये स्टेबल नहीं होता है ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल देगा, ठीक है, अपनी स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए। तो जैसे आपका हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, ये जो आपका मॉलिक्यूल है क्या बन जाएगा, फिर से CO3 2-, क्या हो जाएगा, CO3 2-। हमने मॉलिक्यूल लिया था HCO3-, अब आपका मॉलिक्यूल चेंज होकर CO3 2- हो गया है, तो ऐसा नहीं होता है रेजोनेंस में, कभी भी आपका मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है, ठीक है ना, केवल पोजीशन चेंज होती है सिग्मा बॉन्ड आपके पाई बॉन्ड और लोन पेयर की, इसके अलावा मॉलिक्यूल चेंज नहीं होता है। यहाँ पे मॉलिक्यूल चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, ठीक है, इस कंडीशन में, यहाँ पे इस पोर्शन में आपका रेजोनेंस नहीं होगा, केवल एक ही पोजिशन में आपका रेजोनेंस होगा इस जगह पर, और इसका केवल एक और दो ही स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, ये नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ आप लिख भी सकते हो पॉजिटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नॉट स्टेबल, इसीलिए यहाँ पे आपका रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके दो ही स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है, सिंपल तरीका वही, फिर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ बॉन्ड ऑर्डर, कोई भी दो एटम फिक्स कर लीजिए, मैंने ये और ये कर लिया, ठीक है। इसको तो हमें काम में लेना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो 1 और 2 इसमें काम में ले लिया, 1 और 2 यहाँ पे मैंने इसको ले लिया, तो टोटल हो गए यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, तो 3 डिवाइड बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 2, तो अपना आंसर क्या आएगा, 1.5। या फिर जो दूसरा मेथड है 1 + π/σ, पाई कितना है, एक ही बॉन्ड है, डिवाइड बाय सिग्मा, अब सिग्मा बॉन्ड कितने लोगे, सिग्मा बॉन्ड 3 नहीं लोगे, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड वही लोगे जो अपने रेजोनेंस में काम में आ रहे हैं, ठीक है। ये वाला पे इस पोजीशन में आपका रेजोनेंस नहीं हो रहा था, इसको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ हो रेजोनेंस हो रहा है उन्हीं के बॉन्ड को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 σ + 1 σ, 2 σ हो गए, ठीक है, ये हुआ 1.5, ठीक है। कभी भी ऐसे कन्फ्यूजन हो जाता है तो या तो इस तरीके से कर लो या इस तरीके से करो, दोनों तरीके से आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, O3 का तो हमने देख ही लिया है, SO2 या SO3 अगर हम देखें, SO3 में देखिए S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है, सभी में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ नॉर्मल बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2, परफेक्ट डबल बॉन्ड है, ठीक है। SO3 2-, ठीक है, यहाँ देखिए S डबल बॉन्ड, एक तो O हो गया, ठीक है, एक
O माइनस, यहाँ पे आपका O माइनस, ठीक है। रेजोनेंस होगा यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा, दोनों जगह से होगा। सिंपल तरीका, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 1 प्लस 1 अपॉन 3, दैट इज 1.33। क्लियर है? थोड़ी थोड़ी देर में आप फास्ट होते जाओगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में टाइम लगता है, बाकी बाद में आपको टाइम नहीं लगता है। एस ओ फोर टू माइनस, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ओ माइनस, ये आपका ओ माइनस, ठीक है। सभी आपके काम में आएंगे, ठीक है। रेजोनेंस में 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 2 अपॉन 4, पाई बॉन्ड 2, सिग्मा है 4, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 2 बाई 4 मतलब 1/2, 1/2 प्लस 1 कितना हुआ, 1.5 हुआ। क्लियर? चलिए, बहुत इजी होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है बॉन्ड ऑर्डर निकालना। ये तो आपको हो सकता है थोड़ा लग रहा हो, एक दो लेक्चर बाद तो आप ऐसे स्मूथली निकाल लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। चलिए इसे आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, उनको आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए चलिए, ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आपको क्या करने हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालने हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए, ठीक है, ठीक है। करें स्टार्ट। देखिए, बात करें अगर हम फर्स्ट लेते हैं एनओ टू माइनस, ठीक है। देखिए एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ठीक है। यहाँ पे आपके पास कितना, एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा नाइट्रोजन के पास, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चर्स जो है वो धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको क्लियर होगी, ठीक है ना। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर के लिए आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए यहाँ हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन होगा, सभी मॉलिक्यूल्स काम में आ रहे हैं, तो 1 प्लस पाई, पाई कितना है 1, अपॉन सिग्मा कितने 2, तो 1 प्लस हाफ दैट इज 1.5, ठीक है। एनओ थ्री माइनस, ये एन डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ओ माइनस, ठीक है। रेजोनेंस होगा, सभी जगह होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा। 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 2 पाई है 2, डिवाइड बाय सिग्मा कितने हैं 1, 2, 3, 1 प्लस 2/3 दैट इज 1.66 के आसपास इसका आंसर आएगा, ठीक है। एनओ थ्री माइनस है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है, करेक्ट है। एनओ टू, एनओ टू का स्ट्रक्चर मैंने देख लिया, बना दिया आपके लिए। 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, 2 तो पाई है और 2 ही सिग्मा है, तो 2/2 दैट इज 2, आपको यहाँ दिख भी रहा है, परफेक्ट 2 ही बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पी ओ फोर थ्री माइनस अगर हम बात करें तो देखिए, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ये आपका ओ माइनस, ठीक है। काउंट कीजिए, सभी जगह आपका रेजोनेंस होगा। 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, पाई 1 है, डिवाइड बाय सिग्मा 4, 1.25, ओके। नेक्स्ट देखिए, एच पी ओ थ्री टू माइनस, ये पी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका ओ माइनस, ये आपका ओ माइनस, और ये आपका ओ एच, ठीक है। यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होगा, ये आपका एच है, ठीक है, सिंबल एच है, एच पी ओ थ्री माइनस है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका रेजोनेंस होने वाला नहीं है, ठीक है, इनको हमें काउंट करना है। 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, पाई कितना है 1, डिवाइड बाय सिग्मा 1, 2, 3, 1.33, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, एच टू पी ओ टू, पी डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ये आपका एच, ये आपका एच, दोनों में आपका रेजोनेंस नहीं होगा, केवल ये वाला पोर्शन ही काम में आएगा। 1 प्लस पाई, 1 डिवाइड बाय सिग्मा कितने 1 और 1, 2, 1 एंड हाफ कितना हुआ 1.5, क्लियर है। सी एल ओ फोर माइनस, सी एल डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ठीक है, सभी जगह रेजोनेंस होगा। 1 प्लस पाई कितने 3, डिवाइड बाय 1, 2, 3, 4, 4, 1.75, क्लियर है। चलिए सी एल ओ थ्री माइनस,
Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये आपका O माइनस, ठीक है, सिंपल है, निकालिए। वन प्लस रेजोनेंस सभी जगह होगा, पाई कितने है, टू डिवाइड बाय सिग्मा थ्री, 1.66, क्लियर है। चलिए Cl O2 माइनस Cl डबल बॉन्ड O, और ये आपका हो जाएगा O माइनस, ठीक है। वन प्लस पाई, पाई कितना है, वन डिवाइड बाय सिग्मा कितने है, टू, 1.5। XCO6, ये XC डबल बॉन्ड O, आपका डबल बॉन्ड O, O माइनस, O माइनस, O माइनस, और ये आपका O माइनस, ठीक है, यहाँ देखिए, ठीक है। अगर अपने को बॉन्ड ऑर्डर देखना है तो सभी में रेजोनेंस होगा, वन प्लस पाई अपॉन सिग्मा, पाई कितने हैं, वन और टू, टू डिवाइड बाय सिग्मा थ्री और थ्री सिक्स, टू बाई सिक्स वन बाई थ्री, वन प्लस वन बाई थ्री 1.33, क्लियर है। चलिए आईओ सिक्स फाइव माइनस यहीं देख लेते हैं हम, देखिए, या फिर चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, फिर मैं आपको बता देता हूँ, आई एम श्योर ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट लास्ट वाला, दैट इज आईओ सिक्स फाइव माइनस, तो आई डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ओ माइनस, ये आपका ओ माइनस, ठीक है, आई ओ सिक्स फाइव माइनस, ठीक है। सभी में रेजोनेंस होगा, वन प्लस पाई, पाई कितने हैं, एक ही है, डिवाइड बाय सिग्मा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन प्लस वन बाई सिक्स, दैट इज सेवन बाई सिक्स, इसका क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑर्डर कितना आएगा, वन सेवन बाई सिक्स आएगा, ठीक है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर से आप बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन भी कर सकते हो, और इसी के साथ बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन भी कर सकते हो। देखिए कैसे, एक जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक डबल बॉन्ड होता है, और एक होता है आपके पास सिंगल बॉन्ड, जैसे सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, और सी सिंगल बॉन्ड सी। अगर हमें यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, वन होगा, ठीक है। अगर हम बॉन्ड ऑर्डर कंपैरिजन करें, यहाँ पे थ्री होगा, यहाँ पे टू होगा, और यहाँ पे वन होगा, एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा और दो पाई है, ठीक है। देखिए बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा, उससे अगर हम बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करें तो हम क्या कर सकते हैं कि जितना आपका यहाँ पे देखिए एक सिग्मा है और साथ में दो पाई है, मतलब जितनी ओवरलैपिंग हो रही है सिग्मा से वो तो हो ही रही है, उसके अलावा दो पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग भी हो रही है, मतलब ओवरलैपिंग का एक्सटेंट क्या है, ज़्यादा है। अगर ओवरलैपिंग का आपका एक्सटेंट ज़्यादा है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के, जो ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं। अगर ऑर्बिटल्स एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं तो बॉन्ड की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो सी ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम, फिर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ठीक है। आई एम श्योर ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो भी हम लिख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर जो बॉन्ड लेंथ होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। जितना बॉन्ड एंडर बॉन्ड आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है उतनी ही बॉन्ड लेंथ क्या होती है आपके, डिक्रीज होती है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब देखिए अगर मान लो मुझे एक तो ये बॉन्ड ब्रेक करना है और ये एक ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे मुझे एक सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करना है, यहाँ पे मुझे एक सिग्मा के साथ दो पाई बॉन्ड भी ब्रेक करने हैं, तो बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, इस वाले की। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड एनर्जी है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता रहेगा उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी, क्लियर। चलिए तो यहाँ से हम बॉन्ड ऑर्डर से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी दोनों का कंपैरिजन भी कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बेसिकली बात की किसके बारे में, अबाउट बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड पैरामीटर अपने को देखने हैं, चार बॉन्ड पैरामीटर होते हैं, उसमें से फर्स्ट बॉन्ड पैरामीटर हमने देख लिया है, दैट इज बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंपली नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स,
दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है, ठीक है। अगर आपके नॉर्मल जैसे H2 N2 O2 है तो उनमें जितने बॉन्ड होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया। लेकिन मान लो पॉली एटोमिक स्पीसीज हो जिनमें रेजोनेंस होता है, वहाँ बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने देख लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, या फिर 1 प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे देखना है आपको कि मॉलिक्यूल्स में कहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, जहाँ पे हो रहा है वहीं के आपको पाई और सिग्मा कैलकुलेट करने हैं, जहाँ पे नहीं होता है रेजोनेंस वो बॉन्ड को आपको अलग कर देना है, ठीक है, उसको बॉन्ड ऑर्डर में कंसिडर नहीं करना होता है, ठीक है। चलिए बॉन्ड ऑर्डर हमने देख लिया है, फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी यहीं कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी की सेकंड पैरामीटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर, अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच।